यूपी के बांदा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां रात एक तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी में पहुंचाया है, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन जिला अस्पताल में दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया है। हादसे के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी टैंकर ड्राइवर को बरामद कर लिया है। थाना पदौसा अंतर्गत तुर्रा पुल पर एसपी टैंकर के द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उपचार हेतु उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बांदा भिजवाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। टैंकर की बरामदगी कर ली गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा दो लोगों को लाया गया था करीब 8:30 बजे के टाइम बदौसा थाने से। उनका बताया गया था पुर्रा पुल के पास एक्सीडेंट हुआ था इनका, और जब यहाँ पर आए थे तो ब्रॉडेड थे, बॉडी मरकरी में रख दी गई। कोई नाम पता वगैरह नहीं, अज्ञात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।